जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार की विधि साक्षरता का आज छठवां दिन था और छठवें दिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद लिया, कथा का श्रवण किया और अपनी लाडली बहना योजना के बारे में भी यहाँ पर बात की है कि किस तरीके से हमने महिलाओं को, बहनों को सम्मान दिया है, उनके जीवन यापन के लिए, उनकी समृद्धि के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है और इसके फॉर्म भी भरने लगे हैं। इन्हीं सब योजनाओं के बारे में उन्होंने बात की। इनका यहाँ पर स्वागत किया है नितेंद्र चौबे जी, जो कि ब्यास वक्ता हैं, बागेश्वर धाम सरकार के शिष्य हैं। इन्होंने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत सत्कार किया है, उन्हें पुष्प देकर उनका स्वागत किया गया है और आज छठवां दिन था कथा का। कल कथा का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है, 13 अप्रैल को कथा का समापन होने वाला है। विदिशा में इस तरीके का विशाल और भव्य आयोजन हुआ है। पूरा विदिशा भगवामय हो गया है, एक अलग ही कुंभ विदिशा में लगा हुआ है। अभी कल कथा का आखिरी दिवस है और कल यहाँ पर एक विशाल और भव्य आयोजन होना है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अभी तक कथा में नहीं उपस्थित हो पाए हैं तो कल आपके लिए आखिरी दिन है।